हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के दिन हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। तो आप इसको आज के दिन न्यूट्रल भी कह सकते हैं, माइनस में ज़रा सा कह सकते हैं, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो के बात करेंगे। वैसे स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, इस वजह से अभी जाके वहाँ सुस्ती देखने को मिली है। बात कर ले अगर 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पर आराम से 15% रिटर्न देखने को मिले हैं। तो इसी कारण वजह से यहाँ पर अभी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो अगर इसका एनालिसिस करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। जो एनालिसिस है, अगर आप देखें यहाँ से एक लाइन जाती हुई है, अगर यहाँ पर देख सके आप, तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है आने वाले टाइम में। एक फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिसाइड है कि कहाँ तक स्टॉक मूव करेगा, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर एनालिसिस की माने तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने ड्रॉ किया। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अगर आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से रेजिस्टेंस थोड़ा सा लंबा देखने को मिला है। तो अगर ये थोड़ा रेजिस्टेंस लंबा है तो स्टॉक थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।